आज से करीब 8 साल पहले पोर्न साइटों की भरमार थी। हम में से ही कई ऐसे होंगे जो जमकर पोर्न देखते थे। अरे जमकर देखते थे तभी तो पोर्न देखने के मामले में हम भारतीय पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर थे। खैर इसमें शर्म या गर्व करने वाली कोई बात नहीं, बात सेक्सिंग की हो या पोर्न की, हमें इनसे जुड़ी सही जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई शख्स अकेले में पोर्न देखता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अकेले अश्लील तस्वीरें या वीडियो देखना गलत नहीं है, ये कानून के तहत अपराध नहीं। जी हाँ, जब तक आप अपने निजी स्थान पर पोर्न फिल्में देखते हैं तो यह पूरी तरह से कानूनी है। ये किसी भी व्यक्ति की निजी पसंद की बात है। दरअसल पुलिस ने साल 2016 में एक व्यक्ति को सड़क किनारे बैठकर पोर्न देखने के आरोप में गिरफ्तार किया था और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी ने प्राथमिकी और उसी मामले में चल रही अदालती कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने शख्स की याचिका पर सुनवाई की। आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करते हुए जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, पोर्नोग्राफी सदियों से प्रचलन में है और नए डिजिटल युग ने इसे बच्चों के लिए भी अधिक सुलभ बना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी समय में किसी और को दिखाए बिना अश्लील वीडियो देखता है तो क्या यह अपराध है? यह किसी शख्स की निजी पसंद हो सकता है, ऐसे में कोर्ट उसे किसी भी तरह से बाध्य नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के कृत्य को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह किसी भी नागरिक की निजी पसंद है और इसमें दखल अंदाजी करना उसकी निजता में घुसपैठ के समान है। अकेले में पोर्न देखना आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी यदि दूसरों तक अश्लील फोटो और वीडियो को पहुंचाता है या सार्वजनिक रूप से देखता है तो आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने माता पिता की बिना निगरानी के नाबालिग बच्चों को मोबाइल फोन सौंपने के छिपे खतरे के बारे में भी आगाह किया। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि इंटरनेट एक्सेस वाले मोबाइल फोन में पोर्न वीडियो आसानी से उपलब्ध है और अगर बच्चे उन्हें देखते हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार हाईकोर्ट ने माता पिता को बच्चों की जानकारी बढ़ाने वाले समाचार और वीडियो दिखाने और उन्हें मोबाइल फोन से खेलने के बजाय बाहरी गतिविधियों में भेजने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि आईपीसी की धारा 292 में अश्लील किताबों और सामानों की बिक्री, उसका वितरण और प्रदर्शन अपराध माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि भारत में सरकार ने करीब 8 साल पहले लगभग 850 से ज्यादा पोर्न वेबसाइटों पर बैन लगा दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।